मामा जी, मेरी बात अब केंद्र सरकार भी स्वीकार रही है, तो आप भी स्वीकार लीजिए ना। 5 अप्रैल 2022 दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की न्यूज है, जिन राज्यों में 33% महिला पुलिस नहीं, उनका फंड रोकने की तैयारी। केंद्र ने 26,000 करोड़ रुपए के आवंटन की शर्तें कड़ी की, राइट। शर्तों में ये है कि जिस राज्य में 33% महिला पुलिस नहीं है, उनका फंड रोकने की तैयारी कर चुका है केंद्र। अब देखिए दोस्तों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश इसमें सबसे निचले स्तर पर है, मतलब आखिरी स्तर में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, और टॉप पर है बिहार। मध्य प्रदेश में अभी महिला पुलिस की जो स्थिति है वो 6% है लगभग, और बिहार में 25% लगभग है। और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं का 33% आरक्षण भी खा चुके हैं, तो आप बताइए कि महिलाएं कैसे भर्ती होंगी पुलिस में। एक तरफ केंद्र आपकी फंड रोकने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ आप महिलाओं का आरक्षण खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 33% अगर आप ऐसे महिलाओं का आरक्षण इस वर्तमान भर्ती में खा जाएंगे और आने वाली 5,000 नई भर्ती में भी खा जाएंगे, तो आपका ये 6% तो 600 साल में 33% पे पहुंचेगा। इस तरह से अगर आप भर्ती करेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। केंद्र का निर्देश, हर थाने में 3 सब इंस्पेक्टर, 3 SI, 10 सिपाही महिलाएं होनी चाहिए, राइट। देश में 6 लाख महिला पुलिसकर्मी लक्ष्य, देश में 6 लाख महिला पुलिसकर्मी लक्ष्य है, अभी केवल हैं 2.15 लाख, मतलब अभी 10% महिलाएं हैं अगर ओवरऑल देश में देखा जाए तो। देश के हर पुलिस थाने में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनानी जरूरी है, 10 साल में 5वां पत्र। ये भी सुन लीजिए मध्य प्रदेश के वासियों कि ये केंद्र सरकार से 10 साल के अंदर 5वां पत्र आ चुका है, और अब अगर ये लोग महिलाओं की भर्ती नहीं बढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती या फिर सभी राज्यों में अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री लोग, तो केंद्र उनका फंड रोक देगी। तो देखिए कैसी दोहरी नीति है कि एक तरफ केंद्र कह रहा है कि 33% महिलाएं होनी ही चाहिए पुलिस में, और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं का आरक्षण ख़त्म करने पे तुले हुए हैं और ख़त्म कर भी दिया है। तो इसका मतलब आगे आने वाली 5,000 भर्तियों में भी वो ख़त्म कर ही देंगे। अगर अभी भी महिला एवं भूतपूर्व सैनिक नहीं लड़ते हैं तो आपकी दुर्दशा इन 5,000 पोस्टों में भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको 2017 में ये आरक्षण 33% दिया गया था। इस पर मैं सेपरेट वीडियो आरक्षण पर बना चुका हूं, अगर आपको वह देखना हो कि आरक्षण किस तरह से आपका था, किस तरह से ख़त्म कर दिया गया है 2022 की भर्ती में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। 6,000 पोस्टों में 33% महिलाएँ अगर आप देखें तो 1785 के लगभग बनती हैं, और उसका 5 गुना करेंगे तो 9,000 के आसपास आएगा, जिसमें से केवल 3500 ही फिजिकल के लिए चयनित की गई हैं, 5500 को धरती निकल गई कि आसमान खा गया, ये बिल्कुल भी नहीं पता। यही हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के साथ, 10% 6,000 का 600 होगा, 600 का 5 गुना 3,000 भूतपूर्व सैनिक शामिल किए जाने थे, लेकिन उनको भी दुर्भाग्यवश शामिल नहीं किया गया, उनका भी आरक्षण खा लिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिक और महिलाएं ध्यान से सुने, मैंने उस वीडियो में आपके लिए पूरे तथ्य बताए हुए हैं, साक्ष्य बताए हुए हैं, प्रूफ के साथ बताया हुआ है, कोई भी इसमें आरोप प्रत्यारोप एलिगेशन लगाने वाली बात ही नहीं है। जो कुछ है पूरा का पूरा सत्य है कि गलत नियम बनाकर भर्ती प्रक्रिया कराई गई है 6,000 पोस्टों वाली। आगे आने वाली 5,000 भर्तियां भी इसी तरह से होंगी, तो महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एक भी पोस्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि महिलाओं ने जो ये 3500 पोस्टें हासिल की हैं 6,000 में से, वो जनरल के लड़कों से फाइट करके की हैं, ओपन वर्टिकल आरक्षण के तहत हासिल की हैं, उनके आरक्षण के अकॉर्डिंग नहीं की हुई हैं, उन्होंने की हुई हैं ओपन जनरल फाइट करके, राइट। अगर आप आरक्षण को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि गलती कहाँ हुई है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी महिलाएं, बेटियां, भांजियां, भांजो, मामा जी के अपने माता पिता को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, और वो आरक्षण वाला भी वीडियो दिखाएं कि आपका आरक्षण किस तरह से ख़त्म किया गया है, जिससे कम से कम नौकरी मिले या ना मिले, ये तो होगा कि घर वाले आपके माता पिता, चाचा चाची आप पर विश्वास करने लगेंगे,
जो कि आपको झूठा ठहरा रहे हैं कि आपने पेपर देने के बाद बताया कि 72 नंबर आए थे और अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 75 नंबर आए थे अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घर वाले बोल रहे हैं 40-45 आए हुए होंगे। याद रखें, अगर ये आरक्षण होता तो आपका 50 पे भी सिलेक्शन होता, क्योंकि 2017 में आपका लड़कियों का, जनरल की लड़कियों का 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं। थैंक यू।